आपके अपने YouTube चैनल अनुरागा साड़ी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा दसवीं का हिंदी का सिलेबस बताने वाला हूं, क्योंकि आपको पता है कि आपकी क्या है 1 दिसंबर से आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा स्टार्ट है। ओके, तो चलिए देख लेते कि आपको क्या है हिंदी के पेपर में, अर्धवार्षिक पेपर में आपके कौन कौन से चैप्टर पूछे जाने हैं। ओके, तो सबसे पहले आपका आता है क्षितिज भाग दो, आपकी जो पुस्तक है उसमें काव्यखंड से आपके ये चैप्टर पूछे जाएंगे। कौन कौन से आप देख लीजिए, अध्याय 1 पदसूदास, अध्याय 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जिसके लेखक तुलसीदास है, अध्याय 3 सवैया, अध्याय 4 आत्मकथ, अध्याय 5 उसाय अट नहीं रही, ये अब जो आने वाला है। ओके दोस्तों, और फिर आपका अध्याय 6, ओके, फिर आपका अध्याय 7 छाया मत छूना, ये है। अब देखिए इसमें एक बात ध्यान रखने के लिए है कि इसमें जो आपका लिखा हुआ अध्याय 3 है इसमें आंशिक रिमूव हो गया है। आंशिक रिमूव जहाँ लिखा हुआ है इसका मतलब है दोस्तों इस चैप्टर से क्या है कुछ टॉपिक नहीं आने हैं और के और कुछ आने हैं। ओके, तो जो टॉपिक नहीं आने आपको उन्हें नहीं पढ़ना है, जिसमें रिमूव ऑल लिखा है उन्हें आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। जैसे आपका है अध्याय 7 क्या है पूरी तरीके से आपका रिमूव हो गया साल, तो आपको अध्याय 7 बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। ओके, समझ गए होंगे। अब आपका देख लेते हैं गद्यखंड से, आपका इसी पुस्तक में आपका क्षितिज भाग 2 से गद्यखंड में आपका अध्याय 10 नेताजी का चश्मा ये वाले आने वाला है, अध्याय 11 बाल गोविंद भगत ये वाला चैप्टर आने वाला है, अध्याय 12 लखन वी अंदाज ये आपका चैप्टर आने वाला है, अध्याय 13 बिल्कुल नहीं आना आपका, ये रिमूव हो गया है। ओके दोस्तों, अध्याय 14 एक कहानी यह भी मंडू भंडारी का ये आपका चैप्टर आने वाला है। ओके दोस्तों, तो अध्याय 13 नहीं आना आपका गद्यखंड से, बाकी आपका ये चैप्टर आना है। साथ ही दोस्तों आपका जो अध्याय 15 है यह भी आपका नहीं आना, रिमूव हो गया है। ओके, तो रिमूव ऑल लिखा है उसे आपको नहीं पढ़ना है। ओके, फिर आपका कृतिका भाग 2 है जो आपका पुस्तक, उसमें से आपको क्या है अध्याय 1 आने वाला है माता का आंचल, अध्याय 2 है आपका जॉर्ज पंचम की नाक, ये वाला आपका पूरा रिमूव हो गया तो ये आपको नहीं पढ़ना है, अध्याय 3 है साना साना हाथ जोड़ी, ओके ये आपका आना है, अध्याय जो 4 है आपका ये भी पूरा तरीके से रिमूव हो गया तो ये नहीं आना है। तो कृतिका भाग 2 से आपका अध्याय 1 और अध्याय 3 बस आना है। ओके, अर्धवार्षिक परीक्षा में व्याकरण देख लीजिए, तो व्याकरण में दोस्तों आपका क्या है काव्य की परिभाषा एवं भेद रस की परिभाषा एवं प्रकार, समास आपटित गद्यांश पद्यांश लोकोक्तियां मुहावरे छंद कवि लेखक परिचय अलंकार पत्र लेखन निबंध क्या है रूपरेखा संवाद लेखन पठित गद्यांश अपठित गद्यांश और निपात शब्द वाच क्रिया के भेद क्रिया विशेषण समुच्चय अनेकार्थी शब्द वाक के लिए एक शब्द, ये आपका व्याकरण में आना है। ओके दोस्तों, तो ये है आपका क्या है अर्धवार्षिक परीक्षा का सिलेबस। चलिए मैं आपको दोस्तों आपको बता देता हूँ आपको इसकी PDF कैसे देखनी है। अर्धवार्षिक परीक्षा सिलेबस की PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर जाना है, गूगल पर दोस्तों सर्च करना होगा सारी क्लासेस, सबसे पहले वेबसाइट आएगी आपको ओपन कर लीजिए, तो इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, फिर आपको जाना है नीचे आपको लेवल्स का ऑप्शन देखेगा, इस पर आपको देखना है आपको हाफ ईयरली सिलेबस 2023 आपको ये वाला टैग आपको देखना है। ओके दोस्तों, तो देखिए आपका ये दिया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं आप दोस्तों आपका ये दिया हुआ MP बोर्ड हाफ ईयरली एग्जाम 2023 सिलेबस, इस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे ही आप दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, ये पोस्ट आपको देखिए 9th, 10th, 11th, 12th हाफ ईयरली सिलेबस PDF डाउनलोड, इस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे ही आप दोस्तों इस पर क्लिकेंगे आपको जो पोस्टर बीच में देखेंगे आपको दोस्तों इन पर क्लिक करना है, तभी आपको क्या है नीचे की लिंक एक्टिवेट हो जाएंगी। फिर आपको क्या है जिस भी क्लास का चाहिए तो आप क्या है क्लिक हेयर पर कर दीजिएगा। अभी मुझे 10th का चाहिए तो क्लिक हेयर के बटन पर आपको क्लिक कर देना है 10th वाले में। ओके दोस्तों, तो आपके सामने क्या है 10th के आपको सिलेबस ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि सब्जेक्ट का चाहिए, तो मुझे मान लीजिए हिंदी का चाहिए, तो हिंदी वाले में क्लिक हेयर पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए किस प्रकार से आपका पूरा हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा का सिलेबस देख सकते हैं आप, पूरा आ गया है, तो यहाँ से आप जाकर ये देख सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके दोस्तों, आपकी जो अदर सब्जेक्ट के हैं इनकी सभी के मैंने सिलेबस बता दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप जाकर देख लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।